हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, गर्मी अपनी चरम पर पहुंच गई है और कल का टेम्परेचर लगभग 44 डिग्री टेम्परेचर था, यानी 40 से ऊपर निकलकर 44 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। और जो अडेनियम हमने बाहर रखे थे उनके सबके लीव्स दोबारा से मुड़ने लगे हैं। ये देखिए, सारे के सारे ऊपर की तरफ को सब मुड़ने लगे हैं। देखिए, सब चम्मच की तरह हो गए हैं और टोटल अडेनियम जो है वो फिर इस तरीके से सबके लीव्स जो हैं ऊपर को मुड़ने लगे हैं। और बहुत तेज धूप, जो अडेनियम बहुत अच्छे ग्रो कर रहे थे उनके सबके भी लीव्स मुड़ने लगे हैं और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में चले गए हैं ये। अब इनको लग रहा है कि दोबारा से शेड के अंदर रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये कम से कम 20 जून तक ऐसे ही रहेगा, तो लिहाजा इस टाइम पे हम अडेनियम को अब दोबारा से अपने शेड के अंदर रख देंगे। ताकि देखिए, कोई भी अडेनियम ऐसा नहीं है कि जिसके लीव्स न मुड़ रहे हों। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, 44 डिग्री से ऊपर भी जा सकता है, 45-46 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा ये जून के अंदर। तो इस वजह से हम अपने अडेनियम को अब कुछ दिन के लिए शेड के अंदर ही रखेंगे। तो ऐसी ही गर्मी में ज़्यादातर अडेनियम जो हैं वो बर्न हो जाते हैं, यानी उनके लीफ भी बर्न होने लगते हैं और उसके बाद में उनके कोडेज भी बर्न हो जाते हैं। और जब कोडेज बर्न होने लगता है तो वो गलने भी लगता है, नीचे से रूट गलने लगते हैं ज़्यादा गर्मी में। और ज़्यादा गर्म हीट जब आपकी सॉइल हो रही है उस टाइम पे अगर पानी दे दिया तो भी आपका अडेनियम गलने लगेगा नीचे से। तो इस टाइम पे भी अडेनियम को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। तो पहले तो हम इन अडेनियम को अपने सावर करेंगे इस टाइम पे अभी, और सावर करने के बाद में फिर इन अडेनियम को उठाकर हम सारे शेड के अंदर रख देंगे। क्योंकि बगैर शेड में रखे ही ये ग्रो नहीं करेंगे, बगैर शेड में रखे ये ग्रो नहीं करेंगे ठीक से। और इस टाइम पे इनको ज़्यादा तेज़ धूप से ज़रूर बचाना पड़ेगा, और नहीं तो एक भी अडेनियम मेरा सुरक्षित नहीं रहेगा। तो हम इनको सुरक्षित करने के लिए अभी इसके अंदर हम सावर देते हैं, और सावर देने के बाद में फिर हम इनको शेड के अंदर रख देंगे। तो अभी तो सुबह के 8 बज रहे हैं और इस टाइम पे हम इसको अच्छी तरीके से सावर दे सकते हैं और इनको अच्छी तरीके से नहला देंगे, क्योंकि इनकी सॉइल बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है। सारी सॉइल इनकी, ये देखिए, सब सूख रही है, क्योंकि एक ही दिन में ये एडेनियम जो है बहुत ज़्यादा सूख चुके हैं। अंदर इसके सॉइल सारी सूखी हुई है और रूट भी सूखे हुए हैं, इस वजह से ये सारे ऊपर को इनके लीव्स मुड़ने लगे हैं। सब चम्मच की शक्ल में प्लांट हो गए हैं और ये देखिए कुछ लीव्स भी इसके पीले पड़ रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से लीव्स वगैरह सूखने लगे हैं अगर हम इसको यहीं रखा रहने देंगे। ये देखिए इस प्लांट के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा गर्मी का असर हो रहा है इस टाइम पे अडेनियम के ऊपर। तो हम इनको वो अब शेड में ही रख देंगे, जब ही जाके ये हमारे अडेनियम अच्छे चलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर इस टाइम पे 44 डिग्री हो चुका है और 44 से ऊपर बढ़ के भी एक आध दिन में ये 45-46 पहुँच जाएगा। तो ऐसे में हम अपने अडेनियम की अच्छी तरीके से केयर कर लें। आज हम इनको अभी शावर देते हैं और शावर देने के बाद में फिर उठाकर हम इनको शेड के अंदर रख देंगे। अब ये मुस्तकिल जब तक टेम्परेचर इस टाइप का रहेगा तब तक हम जब इनको मुस्तकिल ही रखेंगे शेड के अंदर, नहीं तो ये हमारा एक भी अडेनियम नहीं बचेगा।
तो साथियों इस तरीके से मैंने अपने सारे प्लांटों में सावर कर दिया है और ख़ास तौर से एडेनियम को बहुत ज़रूरी था। वैसे तो हमारी बिगनवेलिया भी सारी मुरझाई पड़ी थी और सब में हमने पानी अच्छी तरीके से दे दिया है और कुछ में हमने सावर करा है, यहाँ पर सावर नहीं कर सकते थे, बड़े प्लांट हैं तो उनको मैंने सबको अंदर पाइप से ही पानी दिया है। तो इस तरीके से जैसे ये चंपा का प्लांट था, ये भी सारे इसके लीव जो थे सब नीचे लटक गए थे और सारे फूल जो थे वो भी झड़ गए थे, सारे फूल जल से गए हैं सारे। और इस तरीके से हमने इस चंपा के प्लांट में भी आज पानी दिया है। वैसे चंपा के प्लांट में पानी अगर ना भी दो तो वो नहीं होता है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है उसकी वजह से चंपा का पेड़ तक मुरझाने लगा है। जबकि हमने बहुत कम चंपा के प्लांट के अंदर पानी देता हूँ, काफ़ी काफ़ी दिन बीत जाते हैं, महीना महीना भर हो जाता है, चंपा के प्लांट में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन गर्मी का वो हाल है इस टाइम पे कि 44 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और उस बेस पे हमारे जो प्लांट हैं वो चंपा जैसे प्लांट को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो इस तरीके से हमने अब सारे प्लांटों के अंदर अभी हमने पानी दिया है इसके अंदर, क्योंकि हमारा पूरा गार्डन एकदम से मुरझाया पड़ा हुआ था। मैं कम से कम दो दो मरतबा पानी दिया जाता है जब ही जाके बात बनती है आके मई जून के महीने में। तो इस तरीके से साथियों अब हम इन एडेनियम के प्लांटों को सारे सेट में रखेंगे आज, क्योंकि अब गर्मी सलायक नहीं है कि इनको इतनी धूप में रखा जाए, नहीं तो इनके कोटेज बर्न हो जाएंगे और ये हमारा जो प्लांट जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।